महू के सदर बाजार क्षेत्र के सिकंदराबाद से एक दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर मारपीट करने और घर से निकाल देने का आरोप लगाया। 24 वर्षीय युवती यास्मीन ने बताया कि उसका विवाह 4 वर्ष पूर्व महू के गांगला खेड़ी निवासी इमरान खान के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। वहीं महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि गर्भावस्था में उसे खाना नहीं दिया जाता था और मारपीट कर मायके से 2 लाख लाने का दबाव बनाया जाता था, जिसके बाद महिला ने पूरे ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना को लेकर शिकायत दर्ज करवाई और बाद में समझौता कर वापस ससुराल चली गई थी, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। ये आज दिनांक को यास्मीन पति इमरान पिता रईस खान निवासी सिकंदराबाद कॉलोनी इंदौर ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया कि उसके पति और सास ससुर और देवर, दो देवर, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। दहेज के लिए मांग की जाती है 2 लाख रुपये के लिए। क्या धारा है आपने पंजीकृत की? तो इस पर से आवेदन पर से अपराध क्रमांक 6/2022 धारा 498A 34(3/4) दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कायम किया गया है। कायम पर विवेचना में जारी है, जो होगा विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।